ए टू जी मसाज सेंटर, मुझे तो जी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा काम तो एफ से ही चल जाएगा। सैंडविच मसाज, डोसा मसाज, बर्गर मसाज, ओए होए होए होए, मेरी कनाडियन तो 10 दिन के लिए कनाडा जा रही है, उन 10 दिनों में ऐसी मसाज कराऊंगा दोबारा कभी नहीं। छोटी, अबे क्या कर रहा है? अभी रुक बेटा, छोटे, अरे छोटी, क्या हुआ जस्सी भैया? ये देख, ये कमीना जीजा क्या कर रहा है? जस्सी भैया, पूछी तो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं ना? That's right. इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? अरे छोटी, स्क्रीन देख लैपटॉप की। ये तेरे जाने के बाद ऐसी ऐसी फिल्में बनाने वाला, उसका ट्रेलर अभी देख ले। What is that? ये ये वो तो मैंने ही पूछी को कहा था कि आप मसाज करवा लो। पूछी, आप दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको थोड़ी मसाज करवा लेनी चाहिए, इससे ना आपकी बॉडी का आराम मिलेगा। अरे छोटी, ये वो वाला मसाज पार्लर नहीं है, ये वो वाला मसाज पार्लर है। वो वाला मसाज पार्लर? जस्सी भैया, अगर मेरे पूछी दिन रात काम करने के बाद थोड़े से महंगे वाले यानी कि आपके वो वाले पार्लर में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुम जाओ। हाँ पूछी, ये बात। एंड जस्सी भैया, डिस्टर्ब मत करो मेरे पूछी को। बाय पूछी, बाय जस्सी भैया, मुझे ना अभी बहुत सारा काम करना है कनाडा जाने से पहले। बाय, मिस यू, बाय जस्सी भैया। इसीलिए कहते हैं बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन भला। अबे इसलिए तो कहता हूँ कि अगर दुश्मन समझदार हो तो तुझ जैसे बेवकूफ को कोशिश नहीं करनी चाहिए उससे दुश्मनी करने की। चल फूट ले यहाँ से। ऊंट मसाज। आज तो घर में ही बैंकॉक बनाऊंगा मैं। मसाज वाली को तो बुला ही लिया है और आज मेरे घर पर भी कोई नहीं है। मम्मी जी को भगवान अंकल के साथ शॉपिंग पे भेज दिया। कितना मजा आएगा यार, अब होगी हॉट हॉट ब्राउनी से हॉट हॉट मसाज। अबे यार, ये साला कहाँ से मेरी राशि में शनि बन के कूद पड़ता है। अबे जीजे, तू क्यों सावरिया का रणबीर कपूर बन के घूम रहा है? अबे तुझे का मतलब है मैं सावरिया का रणबीर बनूं या शोले का गब्बर? तू अपने काम से काम रख, बड़ा आया। अबे यार, मेरी मसाज वाली गुड़िया तो कभी भी टपक सकती है, इस साले को कौन से नाले में डालूं मैं? हट बे। सुनो डाली, आज ना घर का माहौल ठीक नहीं है, कल आना, मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा। नो नो नो, अबे कमीने जीजा, रुक जा। नहीं, वो कोई नहीं है। हाय जेनिफर, नाइस टू सी यू। हेलो जस्सी, इनसे मिलो, ये है कमीना, आई मीन मेरा जीजा। oh, yeah. ये है मेरी फ्रेंड जेनिफर, न्यूयॉर्क से आई है अपने अरबपति बाप के बिजनेस को हैंडल करने के लिए एक नेक और ईमानदार लड़का ढूंढने। अबे इंसान की औलाद, अपनी सोच को रोक ले, उसकी सैंडल ठीक से देख ले, बड़ा गहरा जख्म दे सकती है। चुप कर बे कुत्ते। अबे तुझे पता नहीं है, पप्पू को जो लड़की पसंद आ जाती ना, उसे पप्पू पटा ही लेता है। लड़की पटाने में PhD किया है तेरे भाई ने, और इसे तो मैं अपने स्कूल वाले फॉर्मूला से पटाऊंगा। हाय जेनिफर, हाउ डू यू डू बेबी? उसको हिंदी आती है। अच्छा आती है। हाय, मेक इन इंडिया, आई मीन मेड इन इंडिया का नमस्ते। नमस्ते। फॉरगेट हिम जेनिफर, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। श्योर जस्सी। क्या बात है। सुन बे करकटे, कुछ भी कर ले, लेकिन इस अमेरिकन मंचूरियन को तो मैं ही खाऊंगा। बचा सकता है तो बचा ले, जा। Excuse me, मैं कोनास पास से आई हूँ पुष्कर वर्मा को मसाज देने को। छोटी, हमारा प्लान ना 100% वर्कआउट करेगा, और देखना शिकार जीजा खुद ब खुद चल के हमारे पिंजरे में फंस जाएगा। पिंजरा?
जैसी भैया वन बिग प्रॉब्लम, हमारे पास पूछी के साइज का पिंजरा तो है ही नहीं, हमारे पास ना सिर्फ चूहे के साइज का पिंजरा अवेलेबल है एंड आई एम डैम श्योर मेरे माचे पूछी उस पिंजरे में फिट नहीं होंगे। छोटी तू ना अपने इंटेलिजेंट दिमाग को थोड़ा आराम दे और जैसा जैसा मैंने बताया वैसे ही करना, ठीक है? जेनिफर जी जा गया जैसे जैसे मैंने बोला वैसे ही करना, ठीक है? जेनिफर जेनिफर यस बाय 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 बाय। ओके कम इन पाप। हाय जेनिफर जी। हेलो पाप। पाप मैंने आपके लिए स्पेशल ग्रीन टी लाया था। ओह हाउ नाइस ऑफ यू। थैंक यू पूछी। पूछी आई मीन आपने हमसे क्या पूछी, क्या पूछी? अच्छा अच्छा मैंने आपसे कुछ नहीं पूछी लेकिन आपको ये क्या सूजी सूजी जैसे जस्सी आपका बेस्ट फ्रेंड है ना वैसे वो मेरा छोटा भाई है। आपको पता है हम दोनों में तो इतना प्यार है कि हम ब्रश भी एक ही टूथब्रश से करते हैं, चड्डी भी एक ही पहनते हैं, एक दिन वो और एक दिन मैं। ओह माय गॉड सो मच लव पप। इससे भी ज्यादा लव दूंगा, एक बार हाँ तो बोल दो। अच्छा ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था, आपके लिए इंडियन सिम और इंडियन फोन। चड्डी खरीदने की औकात नहीं है, फोन दे रहा है साला। ओह माय गॉड थैंक यू वेरी मच पाप। अच्छा जेनिफर जी आई मीन जेनिफर जी वैसे आपके हाथ कितने मुलायम है, मन तो करता है इन्हें हाथों में लेके ऐसे चूम लूं और आपको गले लगाने का तो कब से मन कर रहा। So sorry, excuse me. मैं समझ गया जेनिफर जी, आपको ना यहाँ का हवा पानी सूट नहीं कर रहा है। मैं ना एक काम करता हूँ, आपके लिए दवाई लेके आता हूँ। थैंक यू पाप। पाप पाप पाप। देखा उस कमीने को कैसे किस कर रहा था हाथ पे। जस्सी भैया आप भी ना, देखा देखा मेरी पूछी आपसे कितना प्यार करते हैं और आप है कि हमेशा उन्हें धोखेबाज साबित करने पे तुले रहते हैं। और हगिन किस से क्या होता है एक बात बताइए, हम घुंघरू को क्या रोज हगिन किस नहीं करते, बताइए बताइए। अच्छा अच्छा मेरी माँ जैसा जैसा जीजा कहता है वैसे वैसे करती रहे। अब देखना थोड़ी देर बाद वो कमीना आएगा और तेरा हाथ पकड़ के बोलेगा जेनिफर विल यू मैरी मी। रियली? और ये क्या फोन दे के गया, फोन ऑन करो ऑन करो छोटी। हाँ से साइड से साइड से। ओके यस। मैसेज मैसेज। हाय हाँ जेनिफर ठीक ठाक पहुंच गई अंकल। क्या आपने अपना प्राइवेट जेट अपने नौकर को गिफ्ट कर दिया? ओह पुराना हो गया था, 5 घंटे पुराना। 5 घंटे पुराना? अरे अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम जेनिफर के लिए एक क्यूट डैशिंग और स्मार्ट सा लड़का ढूंढ निकालेंगे जो ऋतिक की तरह डांस करता हो। हाँ अंकल ओके बाय। जस्सू मुझे तुम्हारी फ्रेंड जेनी से मिलना है, सुना कि वो बहुत रिच है। टीचर हो वो इतनी रिच है कि ब्रेकफास्ट करने पेरिस जाती है और डिनर करने लंदन। क्या बात है, 2 टाइम खाती है लंच नहीं करती है। अरे वो अभी डाइटिंग पे आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊंगा आज। क्या कहा? बाहर कचरा बड़ा उठा के ले जा। मेरा मतलब है पप्पू आया हूँ तो कुछ तो देकर ही जाऊंगा। चुप कर बे। ओ जसी यार तू भी एहसान के एहसान भूल गया हा? अरे याद है कल जब खाना खा रहे थे मैंने अपने इन हाथों से मैंने तुम्हें चम्मच उठा कर दी थी, भूल गए? जसी भाई ए जेनिफर के लिए मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। अबे शक्ल देखे मैं भड़बूजे। हाय पाप। हाय जेन तुम ही हो मेरे दिल का चैन। मैं क्या कर रहा था पप्पू जी पता है आज मेरे घर में कोई नहीं है। हाँ तो घर में ताला लगा के आओ ना, चोरियां बहुत हो रही है दिल्ली में। आयशा देखा आयशा अब तुम्हें समझ में आया ना कि कौन तुमसे सच्चा प्यार करता है और कौन सिर्फ नाटक। तो जेनिफर जी बैक इन अमेरिका वी डू ज़ुम्बा और इंडिया में हम बॉलीवुड डांस सीखना चाहता, तो क्या तुम हमें बॉलीवुड डांस सिखाना लाइक करोगे? लाइक क्या, मैं तो कमेंट और पोक भी करूंगा। देन लेट्स स्टार्ट।
सुधर जा सुधर जा, वरना जस्सी हमें घर से बाहर फेंकेगा। सेकेगा? कौन सेकेगा? वो तंदूरी चिकन या कबाब? ओए कबर से निकले हुए कंगाल, तू क्यों बीच में अपनी टांग अड़ाने लग जाता है? मांग अड़ा रहा हूँ? कौन सी मांग अड़ा रहा हूँ? हाँ, मेरी एक मांग तो हमेशा अड़ी रहेगी, शादी करने की, और वो करके रहूंगा। ओए अरमानी बुलबुले, अब अगर तू कुछ बोल रहा ना तो चपेड़ मार के तेरा मुंह तोड़ देना है। चल दफा हो जाए यहाँ से। तो फिर मैं कब उतारू? नाग पंचमी के दिन मिलेंगे, तब तक जूती उतारू। बड़ी सुंदर जूती है। बदतमीज साला सांप। मम्मी जी। हाँ। आपको पता है अगर मेरी जेनिफर से शादी हो गई ना तो मैं सिर्फ जेनिफर का पति नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए का भी पति होऊंगा। उसके बाद ऐसे भगवान अंकल जैसे टुच्चे नौकर ना आपके आगे पीछे घूमेंगे, 50 नौकर, 20-20 ब्यूटिशियंस, 24 घंटे आपकी सेवा में, एक मिनट के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे जिससे आप ओवर एज लग सको। मम्मी जी ये बात छोड़ो, आपने मेरी उस बेवकूफ कैनेडियन से शादी कराई थी, वरना मैं तो कोई खराब पति लड़की डिजर्व करता था। अब आपको ना जब तक मेरी जेनिफर से शादी नहीं हो जाती सब कुछ संभालना होगा और शादी की तैयारी भी आप ही करोगी। संभालू खा, तेरा मूड खराब कर दिया। ओह माय गॉड। चलो यहाँ तो सेटिंग हो गई। जेनिफर का मैसेज क्या लिखा है? पप्पू अगर तुम फ्री हो तो मेरे कमरे में आ जाओ। हाय ये कमरे में आ जाओ। पप्पू निकल पड़ी तेरी, चल मैं आ गया। ओह माय गॉड पाप, तुमने बहुत इंतजार कराया। वो कहते हैं ना कि इंतजार की सब्जी मीठी, आई मीन फल मीठा होता है। बोल दे जीजे, बोल दे शादी का। हाँ, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें कुछ मीठा देना चाहती हूँ। कुछ मीठा देना चाहती हो क्या? उसके लिए बेड पे चलो ना। आइला, आज तक सुना था कि फॉरेनर्स फास्ट होती है, पर ये तो फास्ट एंड फ्यूरियस निकली, सीधा बेड पे ले आना चाहती है। ओके डार्लिंग, मैं बेड पे आ गया, अब बोलो। आप पाप, आई मीन तुम उठ जाओ। उठ जाओ? हाँ उठ गया, आप बोलो। हटाइए। Not this pap, that the lid. Oh no, ये छोटी का शाही खाना मरवाएगा बेटा। Oh अच्छा, ढक्कन? Yeah. हटाता हूँ, हटाता हूँ। अच्छा है, अच्छा है। अरे यार, इसकी स्मेल तो वैसी वाहियात और घटिया है जैसी मेरी कनाडियन के खाने में से आती है। वैसे जेनिफर जी, इस डिश का नाम क्या है? This is called Karelika Kofta. नाम भी उटपटांग, पक्का ये मेरी जस्सी ने ही बनाया है। मतलब ये जेनिफर ही जस्सी है और जरूर मेरे साले ने कोई चाल चली है। वैसे जेनिफर जी, आपका एक खाना तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। लेकिन इसमें वो बात नहीं जो मेरे जस्सी के खाने में है, बाकी बहुत अच्छी है। Really? हाँ। Pap, you were going to say something. आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि क्या मैं आपके साथ वो मना सकता हूँ? क्या? रक्षाबंधन। What? अगर मेरी बहन होती ना तो बिल्कुल आपके जैसी होती। बहन? But as much as I know, तुम्हारी तो कोई बहन है ही नहीं। I mean, Jesse told me, Jesse ने बताया। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि अगर होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती। मुझे ना आप पे सिर्फ अपनी बहन दिखाई देती है। हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे राखी बनवा लूँ जिससे मैं आपको बहन कह सकूँ। Really? बहुत सारी बातें हो गई, अब टाइम हो गया है कि मैं अपनी महान, इंटेलिजेंट, दुनिया की सबसे अच्छी कुक और सबसे खूबसूरत लड़की जस्सी को मिस करूं। Okay. मैं चलता हूं। Bye, Pap. Bye, bye. Yippee! मुझे पता था, मेरे पूछी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। छोटी, मुझे लगता है इसमें जीजे की कोई चाल है पक्का। बहुत हो गया जस्सी भैया, मेरे पूछी पर और इल्जाम लगाना बंद करो। पुराने मोबाइल पे मैसेज, एक मिनट पकड़ो जरा भैया इसको। मम्मी जी का मैसेज। पप्पू, पति का नाम नहीं लेते ना। पूछी, तुम्हें धोखा दे रहा है।
देखा छोटी, मैं कह रहा था ना तुझे। एक सेकंड, ये जेनिफर वाले फोन पे ही पप्पू का मैसेज आया। मेरे दिल में रहना। आखे पढ़ो। तुम हो मेरी प्यारी बहना। वाओ यप्पी, देखा देखा मेरी पूछी मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ फिर से मैसेज। मम्मी जी का ही है, पढ़ती हूँ। पूछी धोखेबाज है। देखा छोटी, मम्मी जी भी यही कह रही है, वो धोखेबाज है कमीना। ये सब क्या हो रहा है जस्सी भैया, मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही हैं? छोटी मुझे भी नहीं पता, पर थोड़ी देर रुक, सब दूध का दूध और जूस का जूस हो जाएगा। हाय हाय हाय, हाय रब्बा। एक तो मैं 16 दिन मेकअप में इतना बिजी रहती हूँ कि पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, पर आज पढ़ लेती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। छपा है लाल चीज सासी सावधान है। एक सास ने पैसों के लालच में अपने बेटे की शादी एक विदेशी महिला से करवा दी। शादी के बाद उस विदेशी महिला ने सास को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अयो रे बाप, आज वो सास शहर के नाके पर भीख मांगकर गुजारा करती है। तेरी विदेशी बहुएं इतनी खतरनाक होती है, कहीं मेरे साथ भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पप्पू की शादी स्विरंगन से नहीं होने दूंगी। हेलो पुत्र, हाउ डू यू डू? वेरी फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? सेम टू मी। मैं ना तुझे एक राज की बात बताने आई। श्योर, टेल मी आंटी। भाई बड़ा ही अच्छा किया तूने, जो तूने मेरे पुत्र पप्पू को चुना। अयो रब्बा, इतना टैलेंटेड है कि आज तक जुए में कभी हारा नहीं है। और स्मार्ट तो इतना है, जब चोरी चकारी करके कभी भी जेल में जाता है ना, तो 2-4 दिनों में पुलिस वालों को पटा के पता नहीं भी कैसे निकल आता है। पटाने से याद आया, कोई भी लड़की हो, टेढ़ी मेढ़ी काली पीली कैसी भी हो, कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ उसके पीछे पड़ जाता है। और इंटेलिजेंट, मैं तो कहती हूँ मेरे पप्पू जैसा इंटेलिजेंट दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। क्या कहा? उसने ना आज तक बहू को पता नहीं लगने दिया कि वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी की है। हाँ, और बहू देख लो कितनी नालायक है। पुत्र मेरा भाई कितना लायक है। लगता है मेरा काम हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। ओके टाटा सीजू। अरे मम्मी जी, आपने क्या किया? ऐसा तो कोई अपने पड़ोसी के बेटे के साथ भी नहीं करता जैसा आपने अपने सगे बेटे के साथ किया है। मैंने जो किया ठीक किया। जूनिफर तेरे लिए सही लड़की नहीं है। वो जेनिफर नहीं है, वो जस्सी है। हाँ, ये सब खेलना उस साले का रचा हुआ था, और मैंने तो सब कुछ सेटल भी कर दिया था, आपने आके सब चौपट कर दिया। तभी मैं सोचूं वो इतना रो क्यों रही है। पप्पू मैं क्या करूं? अब तो पक्का जस्सी हमें इस घर से बाहर निकाल देगा। इतनी खूबसूरत ग्लैमरस ब्यूटीफुल लड़की सड़क पर भीख मांगती हुई अच्छी नहीं लगेगी। मम्मी जी आप टेंशन मत लो, उस साले की ईंट का जवाब मैं हथौड़े से दूंगा। छोटी तू ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, जाएगा तो कमीना जीजा। नो जस्सी भैया, मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती, मुझे मुझे पूछी की चीटिंग याद आती है। अरे मेरी कनाडन, तुम कनाडा से वापस आ गई। आई मिस यू सो मच। जस्सी भैया मैं जा रही हूँ। पुत्र अभी अभी तो तू आई है, अभी क्यों जा रही है मेरी बच्ची? ओए गुरु, ओए शुरू, हेलो, व्हाट इज दैट? लड्डू खाओ। अरे तुम लोग को मालूम है पप्पू भाई, मेरा मतलब है मिस्टर पुष्कर वर्मा और मिसेस जसमीतू वर्मा, वो हमारा शो आता है ना रियलिटी शो इमोशनल पति के आचार, और वो जीत गया, ये जीत गया नंबर वन। बधाई हो, बधाई बधाई। ओए होए होए होए, मुबारक हो पुत्र, मुबारक हो कनेडियन बहू। और एक गल दसो तुसी, ये थोड़ा पुराना है ना जसबीर भाई, उसने भी हमको ये नाटक में पूरे पूरा साथ साथ कर दिया। के और पुत्र वो जो मैंने मैसेज भेजा था ना, वो भी इसी नाटक का हिस्सा था। देख देख तेरा प्रा भी कह रहा है नहीं छोटी, कार छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो भी हुआ है ना,
इसका पूरा क्रेडिट तेरे भाई को जाता है। हाय रब्बा, उसी ने तुझे जूनिफर बनाया और उसी ने पप्पू का लॉयल्टी टेस्ट कराया। हाय रब्बा, मां वारी जाए, मां सदके जाए तेरे प्रॉपर। कंग्रेचुलेशन दीदी, इमोशनल पति का आचार जीतने के लिए। थैंक यू पुत्र, मुझे तेरी इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा है। हाँ मम्मी जी, मैंने अपने इंटेलिजेंट दिमाग से सोचा है और ये डिसाइड किया है कि क्या मेरे पूछी बिल्कुल बेकसूर है। सॉरी पूछी, मैंने आप पे शक किया। नहीं, बहुत हो गया, हर बार परीक्षा में परीक्षा, कितनी परीक्षा दूंगा मैं। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता जाने से, आज मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ओए नलायक का, ये क्या कर रहा है? मैंने आप पे इतना शक किया, अब मैं आपको रोकने का हक भी खो चुकी हूँ। क्या हो गया? अरे नहीं नहीं पगली, मैं तेरे बिना कहाँ रह सकता हूँ, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। रियली? हाँ। इन सब की दुआएं ले, तेरा प्राय कह रहा है, देख ले। वैसे सरदार जी, आई वॉन्ट टू नो, हमने जीता क्या है? इनाम का तो पूछो ही मत, जिंदगी में पहली बार किसी ने इतना बड़ा इनाम जीता होगा। स्टील की कटोरी। यप्पी, हमने कटोरी जीती पूछी है। बेटा इस बार तू बाल बाल नहीं, खाल खाल बचा है। थैंक यू भावेश भाई। हाय हाय।